तो हाय स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और इसलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज मैं उन क्वेश्चन की बात करूंगा जो आपको पढ़ के जाना चाहिए था आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख के सामने है, इसमें ऑप्शन भी मैं दे दिया हूँ, तो देखिएगा। एक व्यक्ति के वेतन से, देखिए ना, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की व्यक्ति के वेतन में कमी की जा रही है, व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, तो उस कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। थोड़ा से ध्यान देना इस क्वेश्चन में, क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर उसका 10% वेतन कम हो गया, ठीक है, जितना भी उसको पैसा मिलता था, कमाई होती थी, उसका 10% कम हो गया, तो कह रहा कितना परसेंट हम उसकी जो है वेतन को बढ़ा दें, कितना परसेंट उसकी वृद्धि कर दें कि उसका जो पहले वेतन मिलता था उसके बराबर वेतन मिले। ये कहने का मतलब है। सिर्फ आपको ये सब पूरी ड्रामा नहीं समझना है, बस सिंपल से समझना है कि यहाँ परसेंटेज के बगल कमी जब बोला रहेगा बच्चों, तो यहाँ आपको वृद्धि पूछेगा। एक ही चीज मेरी याद रखना है, एक जगह परसेंटेज के बगल कमी है तो बाद में वृद्धि पूछेगा, और वहां वृद्धि है तो अंतिम में कम करने की बात करेगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सबसे फोकस कहाँ करना है आपको, ये परसेंटेज के बगल वाले को कहाँ फोकस करना है, परसेंटेज के बगल है क्या, कमी है या वृद्धि है। इसी को आपको कहाँ देता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देता है। वहां क्या कहेगा, इतने परसेंट की कमी कर दी जाए, कमी वही बात है, ठीक है, या उसको कमी करने का मतलब है वही कम में बेचना, हानि पर बेचना, वही बात होती है। तो आप कहेगा उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, सिंपल सा आपको देखना है परसेंटेज के बगल। परसेंटेज के बगल क्या है, कम है, तो कम है तो यहाँ ध्यान दो क्या है, 10% है, 10% को पहले भिन्न बदल दो। इसके बहुत सारे तरीके लगाने के, लेकिन जो आसान वाला वही मैं बता रहा हूँ, इसको पहले भिन्न बदल दो, हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, और 10/100 को 0 0 काटेंगे तो 1/10 आएगा, जैसा कि मैं लिखा हूँ। जैसे आपको पता है कि 10/100 क्या हो जाता है, 100% हटता है, नीचे 100 लग जाता है, 1/10 आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है, कमी कह रहा है। इसका मतलब सर 10 रुपए था, 1 रुपए कम हो गया, 10 रुपए में 1 रुपए कम हो गया, हमारे पास बचा कितना, कहेंगे सर अब मेरे पास जो पैसा बचा है वो 1/9 रुपए बचा है, क्योंकि पहले तो 10 था जिसमें से कम हो गया, तो 1/9 बचा, इसको हम 100 से गुणा कर लेंगे सर, तो ये हमारी वृद्धि वाला आ जाएगा आंसर, तो ये 100/9 हो जाएगा, और 100/9 को बोलते हैं 11 सही 1/9%, और यही कोई ऑप्शन होगा 11 सही, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, ये ओरल करने वाला है, तो आपको मैं ऐसा समझाने में टाइम गया, बिल्कुल कैसे ओरल करेंगे जब इसको परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज को जैसे ही देखेंगे कहेंगे 10%, 10% का मतलब 1/10 कमी हो रही है, मतलब 10 रुपए में कम हो रहा है, 1/9 हो जाएगा, 1/9 को ही 11 सही 1/9% बोलते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी है तो ये ओरल कर सकते हैं, जैसे हमको याद है तो हम जल्दी कर लेंगे, बट आपको समझाना है तो 100 में 9 का भाग लगा के 100 बना लो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी है, सेम इसी पैटर्न पे, बस आपको समझना कहाँ है, पकड़ना कहाँ है। देखिए, यदि ए का मान बी के मान से 25% कम है, ठीक है, तो क्या, तो बी का मान ए के मान से अधिक होगा। मैं बार बार आपको फोकस करा रहा हूं कि परसेंट के बगल अगर कम किया रहेगा तो यहां अधिक बोलेगा, क्या बोलेगा, अधिक बोलेगा। एक जगह कम होगा तो दूसरे जगह अधिक की बात करेगा, अगर यहीं अधिक होता तो यहां कम की बात करता। तो आपको फोकस कहां करना है, परसेंटेज के बगल वाले को, तो परसेंटेज के बगल में क्या है, कम, तो 25% को लिखो, 25% को क्या होता है, 1/4 होता है, कैसे आया, 25/100, जब 25 से काटेंगे तो 2500 को 100 होता है, तो 1/4 आ गया। तो कुछ चीजें याद होगा, 25% का मतलब 1/4, तो कहेंगे सर यहाँ कम हो रहा है, परसेंटेज के बगल को ध्यान देना है, तो यहाँ कम कर दो, माइनस है कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, पहले 4 था अब 1 रुपए कम हो गया तो 1/3 हो गया, और 1/3 को 33 से 1/3 कहते हैं, मुझे याद है, आपको यही याद है, जिसको 100 से गुणा करके बना लो, 100 से गुणा करेंगे तो 100/3 आ जाएगा, और 100/3 को 33 से 1/3 कहते हैं, 33 से 1/3% बोलते हैं। ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन आपका रहा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कॉपी में और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन में, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, एक मिनट। तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग देखे तो यहाँ परसेंटेज के बगल आपको दे रहा था कम है, यहाँ परसेंटेज के बगल जैसे यहाँ अधिक लगाए वहां कम देता था। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक परसेंटेज के बगल कम कहेगा तो अंतिम में आपको क्या कहेगा, वृद्धि की बात करेगा, लेकिन जब अधिक या वृद्धि की बात करेगा तो लास्ट में कम की बात करेगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखिए समझिए। यदि खदान के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च बढ़ने ना पाए, खर्च ना बढ़ने पाए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज होता है आपके पास सामान लाते थे और उसी में वृद्धि हो गई और आप जाए तो देखिए तो उसमें वृद्धि हुई थी, तो आप अगर अपने जेब में या अपने जेब में जो भी पैसा है उतने में अगर लेना चाहते हैं तो खदान को ही कम लेंगे। जैसे मैं 100 रुपये लेके गया और मुझे आंकड़ा था कि 1 किलो चीनी मिलेगी, 100 रुपये मान लो 2 किलो मान के चलो, 2 किलो चीनी मिलेगी, लेकिन जैसे ही गए तो वो बताया कि वृद्धि हो गई है चीनी के भाव में, 10% की वृद्धि हो गई है। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये ही लेके गए हो तो उतने में ही चीनी खरीद के लाओगे, इसका मतलब चीनी की मात्रा को कम कर देंगे आप। इसका मतलब जब किसी के भाव में वृद्धि हो जाती है तो हम उसकी क्वांटिटी को या उसकी मात्रा को कम उपभोग करने लगते हैं, कंज्यूम कम करने लगते हैं। वही कह रहा है, अगर खदान में वृद्धि हो गई तो आप उसके उसमें क्या कह रहा है कि यहाँ उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन समझना, ये सब लिखने हैं और आपको सिर्फ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर मैं बार बार फोकस कराता हूँ, इतना बड़ा लिखा रहेगा फिर लास्ट में यहाँ यहाँ आपको कहेगा क्या, दो पॉइंट में ध्यान देना है, सिर्फ दो पॉइंट में ध्यान देना है। परसेंटेज के बगल अगर वृद्धि है तो लास्ट में कम की बात करेगा, परसेंटेज के बगल देखो यहाँ वृद्धि है तो लास्ट में देखो कम की बात कर रहा है, तो आपको फोकस इस पे करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर बढ़ जाता है तो हम खाना कम कर देते हैं, और क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमारा खर्च में परिवर्तन नहीं, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए इसको ऐसे ही आपसे क्वेश्चन और पूछता है, यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वो अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न आए, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो अब अगर यहाँ देखें तो परसेंटेज में क्या लगा है, वृद्धि, तो सिंपल से याद रखना है बच्चों, 10% का मतलब आप समझते हो कितना होता है, 1/10 होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ 10%, 10/100, 100 कैंसिल, 1/10। यहाँ वृद्धि लगा है तो परसेंटेज के बगल वाले को देखो यहाँ प्लस के चिन्ह लगा देंगे, तो मतलब ये 1/11 हो जाएगा। कैसे हुआ, 10 रुपए में 1 रुपए की वृद्धि हो रही, पहले 10 रुपए की चीनी मिलती थी या अब 10 रुपए का हम कोई अनाज खाते थे, अब उसमें 11 रुपए हो गया, कैसे रुपए की वृद्धि हो गई, तो हम गुणे में 100 कर देंगे। जब 100 करेंगे तो क्या होगा, 100/11 मीन्स 11 × 99, 9 सही 1/11%। कोई ऑप्शन है 9 सही, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, दूसरा क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, यहाँ भी अगर देखेंगे तो अधिक शब्द लगाया है और लास्ट में यहाँ देखो कम करने की बात कर रहा है, अधिक कहेगा तो बाद में कम करेगा, तो इसमें भी वही लगाना है 10% की आंसर, तो दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ परसेंटेज आप चेक करना, चेंज करना चाहें चेंज कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, 20% कर दीजिए, क्या कर देंगे, 20% कर दीजिए, ठीक है। चलिए 20% जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20% आ जाएगा 1/5, आपको पता है 1/5 होता है, 20% का मतलब 20/100 और 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5 वृद्धि कर रहा है तो प्लस साइन, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 हो जाएगा, और 1/6 में 100 का गुणा करेंगे तो 1/6 का मान मुझे याद है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा, 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसके ऑप्शन में हम चेंज कर देते हैं, एक ऑप्शन 16 सही 2/3% लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको समझना है बस, ठीक है, ऑप्शन से क्या है, बाद में तो वो चेंज ही रहेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये था इतने टाइप के क्वेश्चन, तो लगभग हम लोग ये टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों एक अगला टाइप में लेके आ चुका हूँ, देखिएगा इसमें क्या है, आपको समझना क्या है, जब एक बार वृद्धि करे, जब एक बार कमी करे,
एक टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए इसको मैं दो तीन तरीके से लगाता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। देखिए इससे रिलेट कहाँ कहाँ करता है, आपको बट्टा देने वाला जो क्वेश्चन होता है वहां भी इसको करता है, या आप किसी चीज को कहता है कि एक वस्तु को 20% बढ़ाया गया, दूसरी वस्तु को 20% घटाया गया, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है। तो देखिएगा ध्यान से इसको करने का तरीका क्या है, एक फार्मूला है, परसेंट में प्रतिशत में परिवर्तन, या परिवर्तन, वो फार्मूला आप समझ लीजिए, परिवर्तन प्रतिशत बराबर, ये फार्मूला होता है। मान लीजिए पहला पर्सन यक्स है, वाई है, कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए पहला पर्सन यक्स है और दूसरा पर्सन वाई है, फिर दोनों का गुणा बटे 100, ये फार्मूला होता है। और तो यहाँ प्लस माइनस लगा दिया जाता है, प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, जब कमी होगी तो कमी के सामने माइनस चिन्ह लगाना है और वृद्धि होगी उसके सामने प्लस लगाना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। चलिए एक बार मैं फार्मूले पे रख के बता रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, समझिए ध्यान से। ये बढ़ाया जाता है, बढ़ाने का मतलब इसके साथ प्लस साइन लगाएंगे, देखो ये बढ़ाने का मतलब है प्लस चिन्ह और घटाने का मतलब है माइनस चिन्ह, बस इतना ध्यान रखिए। तो 20 हो जाएगा और यहाँ देखिए अब माइनस चिन्ह ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ कमी है दूसरे वाले के साथ, देखिए कमी हो गया माइनस, फिर प्लस, तो देखिए यहाँ एक बार कमी और एक बार वृद्धि, या कमी वृद्धि जो भी आगे लिख सकते, पहले वृद्धि लिखेंगे फिर कमी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। तो ये देखो 20 में 20 घट गया तो 0 आ गया, कितना आ गया, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ ध्यान दो तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, पर बच्चे ध्यान देंगे आप, फोकस करना है, एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आता है आपको पता है, तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो 0 में अगर माइनस 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर माइनस 4% आएगा, कितना आएगा माइनस 4%, ये इसका आंसर आएगा। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी को, माइनस किसको दिखाता है जी, माइनस आपको कमी को रिप्रेजेंट करता है, क्या कमी को, इसलिए आप क्या हो जाएगा 4% कमी लिख देंगे, क्या लिख देंगे कमी, इसका मतलब इसमें कमी वाला ऑप्शन होगा, ये पहला ऑप्शन कम या कमी। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये तरीका, ये फार्मूला बेस है, ठीक है। अगर आपको फार्मूले नहीं रटने हैं तो तरीका याद रखो, वो सब पे काम करता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी जो मैं फार्मूले की बात किया बच्चों, वो सब पे काम करता है, चाहे वो यहाँ 20% रहे या चाहे 40% रहे, चाहे यहाँ 10% रहे, चाहे यहाँ 50% रहे, ये सब पे काम करता है। लेकिन इसी के लिए एक फार्मूला विशेष बनाया जाता है, कब कौन सा बनाया जाता है, जब यहाँ भी 20% रहे, यहाँ भी 20% रहे, जब 20-20% रहे, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया जाता है। उस फार्मूले को समझना क्या है, वो समझिए, उसका फार्मूला है, मान लीजिए दोनों यक्स यक्स हैं, यक्स यक्स दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, यक्स यक्स लगे हैं, इसलिए चूंकि दोनों के मान समान है, जब दोनों के मान समान है तो यहाँ एक फार्मूला लगा लो, यक्स स्क्वायर बटे में 100, ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन। ये डायरेक्टली हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ आप एक ऐसा चित्र देखो, एक ऐसा तरीका सीखो जो सब पे काम करे, अलग अलग फार्मूले आपको याद करने की क्या जरूरत है। तो ये मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको भी याद रखते होंगे, क्योंकि यहाँ समान परसेंटेज है इसलिए ये लगेगा, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होना चाहिए, 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, तब ये जाके लगेगा। चलिए रख दीजिए इस पे, लेकिन यहाँ हमेशा अगर कमी है, बढ़ाया गया और कम है, तो हमेशा कमी ही आएगी, इस बात को याद रखना। और इसके पहले वाले फार्मूले में लोग प्रूफ भी देखे थे, माइनस चिन्ह लगेगा तो कमी की दर्शाएगा। चलिए यहाँ रखिए, तो 10 क्या रखेंगे, 20 का स्क्वायर बटे में 100, तो क्या हो जाएगा 20 × 20 कर दीजिए बटे में 100, 0 से 0 काट लीजिए, कितना आ गया 4% आया, नहीं आया 4%। ये ऐसा क्यों, फार्मूला कहाँ से बना, देखिए बेसिक वाला मैं सिखाया था आपको, यहीं से बना, ये कहीं से आया नहीं है। देखिए ये दोनों घर का समान 0 हो जाते हैं, तो ये इन दोनों का काम नहीं होता, दोनों का गुणा बटे 100 ही तो होता है, हो रहा है ना, दोनों का गुणा बटे 100 ही तो हो रहा है, 20 × 20 का स्क्वायर हो गया, वही बात है, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो सब पे काम करने वाला ये तरीका है, ठीक है।
एक तरीका और है, बहुत सारे तरीके में बता दे रहा हूँ, बट जो आप देखिए बच्चों, एक थर्ड तरीका क्या है, 20% की वृद्धि का मतलब 1/5 और कमी का मतलब क्या, 1/5 यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस का चाहिए। तो अगर देखें तो पहले अगर हमारा 5 रुपए था, पहले 5 रुपए कमाते थे, लेकिन 1 रुपए की जब वृद्धि हो गई तो 6 रुपए हो गया हमारा, सिंपल सी बात है। पहले 5 रुपए कमाते थे, कमी हो गई, 1 रुपए कमी हो गई, तो 5 रुपए पहले कमाते थे, लेकिन अब कितने रुपए कमा रहे हैं, 4 ही रुपए कमा रहे हैं। फिर दोनों का गुणा कर लो, यहाँ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, गुणा करो, 5 × 25 हो जाएगा, खेतों को क्लियर। अगर आप ध्यान दो, पहले ये 25 रुपए कमा रहा था, अब 24 रुपए कमा रहा है, इसका मतलब इसमें कमी तो आई ना, कमी आई तो क्या दिखाएगा, कमी परसेंट निकलेगा। पहले तो ये 25 रुपए कमाता था, लेकिन अब 1 रुपए कम कमा रहा है, क्या कितना कम कमा रहा है, 1 रुपए कम कमा रहा है। तो एक यहाँ रख दो और गुणे में 100 कर दो, क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, कितना। तो ध्यान दो, अगर यहाँ तो 1/25 हो गया बच्चों, यहाँ 100 से गुणा करना पड़ा, क्योंकि 100 से गुणा करने के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्योंकि कितना परसेंट में परिवर्तन होगा, तो 2500 को 100, तो यहाँ कितना आ गया, 4% आया। और आपको ध्यान देना है यहाँ कमी हो रही है, इसलिए यहाँ कमी चीज लिखेंगे। तो ये भी एक रूल है, कहाँ सबसे आसान हो जाता है ये रूल, जहाँ आपको यहाँ सही बटे में दे देगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे और वहाँ जोड़ने घटाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रूल है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, जब यहाँ 16 सही 2/3% बोल देगा और यहाँ कहेगा 33 सही 1/3%, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए सबसे आसान तरीका फिर यही लगेगा, नहीं तो आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसके लिए जो आसान लगेगा वो यूज कर लेना, ये तरीके मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।